तो अभी हम है पनार में और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। हमें यहाँ पे रुद्रनाथ सगर में रुद्रनाथ के प्रवेश द्वार पे, जहाँ से रुद्रनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है, तो अभी यहाँ से 5-6 घंटे का ट्रैक है, पूरा 24 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 5-6 घंटे करीब लग जाएंगे आराम से। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से, तो 5 बजने को है, अभी 4:45 हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं फिर ट्रैक पे। अभी अंधेरा अंधेरा सा है हल्का, तो लेट्स गो। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचे हैं पुंग बुग्याल पे, और यह है रुद्रनाथ के ट्रैक में पहला बुग्याल जो पड़ता है आपको सगर गांव के बाद। तो यहां पे सही हम 6 बजे पहुंचे हैं, 4:45 पे हमने ट्रैक शुरू किया, 6 बजे हम पुंग बुग्याल में पहुंच चुके हैं। तो यहां पे 2-3 हट्स तो हैं, और यहां पे चाय वगैरह पीने के लिए एक छोटा रेस्टोरेंट भी है, तो यहां पे चाय नाश्ता या मैगी वगैरह बन जाती है, स्पेशली मैगी वगैरह बन जाती है यहां पे, मैगी खाना वगैरह। यहाँ से ऊपर आएगा अभी लुइटी बुग्याल, और उसके ऊपर आएगा पनार बुग्याल। तो पनार जो है सबसे सही सीन आते हैं पनार से, क्योंकि पनार टॉप पे है बिल्कुल। पनार के बाद जो 10-12 किलोमीटर है वो लगभग सीधा सीधा रास्ता है, तो पनार पे से बहुत सही व्यू आते हैं। तो अभी हमें पुंग बुग्याल पे अभी चलते हैं, आगे का ट्रैक पूरा करते हैं, आज ही वापस आना है हमको, पूरा 46-48 किलोमीटर का ट्रैक है, आज ही कम्प्लीट करना है। तो ये पुंग बुग्याल से जो मेन चढ़ाई है रुद्रनाथ ट्रैक की, वो पुंग बुग्याल से पनार तक की है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और बहुत बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है इस पर। तो ये जो सबसे मेन टास्क है वो इस चढ़ाई को पूरा करना है जल्दी से जल्दी, और पनार के बाद बिल्कुल सीधा है लगभग वो रुद्रनाथ तक पूरा। तो अभी ये मेन चढ़ाई है 8-10 किलोमीटर की, इसको पार करना सबसे बड़ा टास्क है। तो अभी चलते हैं, इस टास्क को पूरा करते हैं जल्दी से जल्दी। तो अभी मेन चढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो इसको पार करने में लगभग 2-2.5 घंटा लग जाएगा। रास्ते में चाय वगैरह पीते हैं, रास्ते में 2-3 दुकानें आती है पनार से पहले, पर आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा हर दुकान के लिए। अगर एक जगह पे दुकान आ रही है तो उसके बाद लगभग 3-4 किलोमीटर बाद ही दुकान आएगी। पुंग बुग्याल से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और ये पीछे रहा पुंग बुग्याल, दिखने लगा है पुंग बुग्याल नीचे, तो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। अभी तो थोड़ा सा सीधा आया है बड़ी मुश्किल से, अभी बस पनार की देर है, पनार फतेह करना है, जहाँ से पनार फतेह वहाँ से अपना ट्रैक आसान हो जाएगा। तो अभी अगला पड़ाव है लुइटी बुग्याल। अरे हिरन भागता हुआ बहुत तेजी स्पीड से। ये शायद मोनाल है नीले कलर की,
अभी ट्रैक पे सही सीन आ गए, यहाँ पे लंगूर तो देखे ही, उसके बाद हिरन भी मिला, मोनाल भी मिली, मोनाल भी दिखा पर दूर, थोड़ा दूर था पर दिखी, और हिरन भी दिखा तो सही मज़ा आ गया। पनारधार यहाँ पे जाना है हमें। तो ये लगभग दिखने लगा है पनार टॉप, तो ये पनार आने वाला है लगभग, तो ये दिख रहा है नज़दीक, पर अभी टाइम तो लगेगा इधर पहुंचने में। सुबह सुबह 7:30 बज रहा है अभी, लगभग 2.5 घंटे का ट्रैक हो चुका है, अभी तक रुके नहीं है हम कहीं पे भी, तो हमने अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर ली है। धूप नहीं है बिल्कुल भी अभी, तो मौसम भी सही है। तो हमने वो जो बुग्याल दिख रहा है वो है पुंग बुग्याल, तो उसके पीछे जो जंगल है वो पूरा क्रॉस करके हम अभी इधर तक आए हैं, लगभग 3-4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद। तो अभी भी आगे पूरा जंगल ही है, पनार के बाद पूरा खुल जाएगा। तो अभी पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे मोली खर्क में, ये लगभग 7-8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद है सग्गर से, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बचा होगा पनार लगभग, तो यहाँ से लग जाएगा 1 घंटा करीब और। तो यहाँ पे चाय पीने को रुके हैं, चाय पियेंगे निकलेंगे फिर पनार की तरफ, पनार में करेंगे नाश्ता और फिर आगे का ट्रैक। तो मोली घर पे चाय पीने के बाद और पार्ले जी खाने के बाद हम निकल पड़े हैं पनार की तरफ। टाइम हो रहा है 8:15, 9:15 तक पहुंचेंगे पनार। अभी थोड़ा रिफ्रेश सा हो गया है तो अभी चलते हैं पनार की तरफ। जस्ट लुइटी बुग्याल क्रॉस किया है, वो पीछे एक दुकान है तो लुइटी बुग्याल पे है एक, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। 300 रुपये पर हेड पर डे पर नाइट का है, तो 300 रुपये सही है इतनी चढ़ाई के बाद। कुछ होटल जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी पर अच्छा है रहने के लिए। लगभग 1.5 किलोमीटर है पनार, तो पनार है अपना अगला पड़ाव। तो अभी पनार पहुंचने वाले हैं, लगभग 200-300 मीटर बचा है, तो जो सबसे मुश्किल चढ़ाई जो है इस ट्रैक की वो हमने पार कर दी है लगभग। अभी इसके बाद अच्छा है पूरा ट्रैक मस्त। तो अभी पनार में हम करेंगे नाश्ता, चाय पियेंगे, ठंड हो रही है यहाँ पे अच्छी, और आज की सबसे बढ़िया बात यही रही हमने जल्दी ट्रैक स्टार्ट किया और हमको अभी तक धूप नहीं मिली है, हल्के हल्के बादल लगे हैं, तो मीठी मीठी हवा चल रही है और मौसम बहुत प्यारा सा हुआ है, तो ज़्यादा धूप नहीं हुई तो गर्मी नहीं हुई, थकान जल्दी नहीं लगी, तो ट्रैक अच्छे तरीके से निकल गया। और ये पहुँचे अभी हम हैं पनार में और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं, बहुत सही सीन आ रहे हैं यहाँ पे। ये है पूरा पनार और ये है पनार से नीचे
तो वो गांव जो दिख रहा है नीचे, वो गांव है सग्गर, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था। लगभग 11 किलोमीटर हमने पैदल ट्रैक कर दिया है, एक ब्रेक लिया हमने बीच में चाय के लिए, और हम अभी यहां पे पनार में हैं 9:30 बजे करीब। तो प्यारा सा व्यू आ रहा है, पूरे ट्रैक जितनी थकान है सारा व्यू देख के मिट जाती है। ऐसे व्यू है यहाँ पे तगड़े से, वाह। तो पनार में नाश्ता करने के बाद रुद्रनाथ के लिए निकल चुके हैं हम। तो अभी जैकेट पहन लिया हमने, यहाँ पे ठंड हो रही है बहुत सही, यहाँ से 2-2.5 घंटा और लग जाएगा रुद्रनाथ। और यहाँ पे से पनार और भी मस्त आ रहा है। अभी हम है पितृधार में, ये रहा पीछे पितृधार, ये गेट है, इससे उधर को जाना है फिर हमें। तो अभी यहाँ से तो लग जाएगा 1 घंटा करीब, ट्रैक हो चुका है लगभग 15 किलोमीटर का हमारा, 15-16 किलोमीटर का, उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है, पर अभी ट्रैक बाकी है और हमें वापस भी जाना है। और ये अभी एक और बुग्याल आ रहा है पीछे से, रुद्रनाथ के पहले का सबसे लास्ट बुग्याल है, इसके बाद सीधे रुद्रनाथ ही आएगा। सही हो रहा है इधर, मस्त ठंडा हो रहा है, साइड में बर्फ गिरी है, ऊपर के पहाड़ों में देख सकते हो आप, ये पीछे के जो पहाड़ हैं इनमें सब में बर्फ गिरी है। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आज किस्मत में ये सही रहा, अभी तक ना बारिश आई है और बादल लगे हैं, तो अभी तक धूप भी नहीं आई है। अगर उत्तराखंड आए हो ट्रैक करना है कोई, तो रुद्रनाथ ट्रैक बहुत मस्त है। सितंबर में आओगे तो और हरियाली मिलेगी, और भी प्यारा व्यू आता है इधर। तो अभी चलते हैं फिर। तो अभी पंचगंगा पहुंच गए हम, ये पीछे रही दुकान पंचगंगा में है एक, तो यहाँ पे रहने का भी, रहने की भी व्यवस्था है, और चाय पानी वगैरह तो सब मिलता ही है इधर, तो सही है। कोल्ड ड्रिंक तक है यहाँ पे इतने ठंडे में, पता नहीं पीते हैं कि नहीं लोग। लगभग 1/2 घंटा और लग जाएगा शायद यहाँ से, अभी बज रहे हैं 12। अभी ये है देवदर्शनी, तो ये वो पॉइंट है जहां से रुद्रनाथ दिखना शुरू हो जाता है। तो रुद्रनाथ दिखता है लगभग, ये पीछे है रुद्रनाथ दिखने लगा, थोड़ा सा दिख रहा है यहां से, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा है रुद्रनाथ यहां से। तो ये है पॉइंट जहां पे से रुद्रनाथ दिखना शुरू होता है, इसके आगे डाउन है पूरा, और फिर हम होंगे रुद्रनाथ में। अभी शायद दिख रहा होगा रुद्रनाथ महादेव का मंदिर पीछे,
और हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ। ये पीछे दिख रहा है रुद्रनाथ का मंदिर और यहाँ से रुद्रनाथ शुरू हो चुका है। अभी हम हैं रुद्रनाथ मंदिर में और ये बगल वाला जो मंदिर है ये वन देवियों का मंदिर है। तो फाइनली हमने 23-24 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है, हम रुद्रनाथ पहुंच गए हैं 1:10 पे। बहुत थकान लग गई है वैसे, तो अभी लंच करेंगे थोड़ा देर में। मंदिर तो बंद है अभी तो दर्शन तो हो नहीं सकते हैं अभी, तो अभी चाय पीते हैं, थोड़ा मैगी खाते हैं और कोशिश करते हैं सरस्वती कुंड जाने की। वैसे तो थकान लग गई है बहुत ज़्यादा, हिम्मत तो नहीं हो रही है, तो फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। और इधर से व्यू कुछ ऐसे आ रहे हैं, पूरा बुग्याल ही बुग्याल। और ये रहा अपना पुजारी जी का घर है ये, जहाँ पे पुजारी जी रहते हैं। और ये ऊपर अपने मंदिर, मेन मंदिर, और ये साइड वाला है जो उस साइड, वो है वन देवियों का मंदिर। तो अभी और वो पीछे एक गांव सा दिख रहा है वो है अनसोया। तो ये ऊपर जो घना जंगल दिख रहा है इसको क्रॉस करके हम यहाँ पे तक पहुँचे हैं अभी।